मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर के लिए रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान बंधुओं से जो वादा किया गया था, जब 15 साल की सरकार थी तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए। आज 12 लाख से ज़्यादा किसानों को उनके अकाउंट में करीब 3,700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और डीए की मांग को लेकर साय ने कहा कि मांग आई है, विचार करेंगे। हसदेव की कटाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस को देखना चाहिए कि वन कटाई की जो अनुमति है जब कांग्रेस की सरकार थी तब का है। उनकी सरकार में जो भी हुआ है, चाहे वो पेड़ कटाई की बात हो, सब उन्हीं की अनुमति से हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मुझे आप लोगों के माध्यम से प्रदेश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान बंधुओं से वादा किया था कि अपनी जब 15 साल की सरकार थी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, तो 2 साल का एकमुश्त बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों को आज उनके अकाउंट में करीब 3,700 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर रहे हैं।